जय श्री महाकाल। आप सबका बहुत स्वागत है। मैं आपका मित्र रोहित तिवारी आज आपके साथ पुनः उपस्थित हूं। आज हम चर्चा करेंगे यमलोक में बहने वाली नदी बैतरणी के विषय में। बैतरणी नदी के सारे रहस्य के विषय में हम आज चर्चा करेंगे और बैतरणी को पार करने के लिए मनुष्य के पास कौन से पुण्य होना चाहिए, ऐसा कौन सा महान पुण्य है जिसके होने से वह आसानी से बैतरणी नदी पार कर लेता है। परंतु उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए प्रारंभ करते हैं। इंसान की जब मृत्यु हो जाती है तो यमदूत उसे जब यमपुरी में ले जाते हैं और उसके बाद वह अपनी यात्रा को प्रारंभ करता है, उसी यात्रा के बीच में यमपुरी की एक विशेष नदी पड़ती है जिसका नाम है बैतरणी नदी। यह साधारण नदी नहीं है। हमारी भूमि पर जो नदियां होती हैं वह जल से भरी हुई होती हैं, परंतु यह नदी रक्त से और पीप से भरी हुई है। इसके किनारे हड्डियों से बंधे हुए हैं और यह नदी भयंकर जीवों से भरी हुई है जिसे पार करके प्रेत अपनी यात्रा में आगे जाता है। परंतु उस नदी को पार करने के लिए उस प्रेत के पास पुण्य होना चाहिए, क्योंकि 100 योजन वाली इस विशाल नदी पर एक प्रेत एक नाव चलाता है। और जब आप वहां पहुंचते हैं मृत्यु के बाद तो प्रेत आपसे पूछता है कि आपके पास ऐसा कौन सा पुण्य है जिसके आधार पर मैं आपको बैतरणी पार कराऊं, क्योंकि जब प्रेत उस जगह पर पहुंचता है तो वह भयंकर नदी उबलने लगती है, उफान मारने लगती है और जोर जोर से शोर करने लगती है। उसके अंदर रहने वाले जीव जंतु उस जीव को, जीव आत्मा को, उस प्रेत को खाने के लिए दौड़ते हैं। तब यह भयानक दृश्य देखकर वह प्रेत बहुत डर जाता है और उस नदी को पार करने के लिए उसे नाव की आवश्यकता होती है। और वह नाव तभी मिल सकती है जब उस प्रेत ने पुण्य किए हों। तो ऐसे कौन से पुण्य हैं जिसके करने से आपको वैतरणी पार करने का अवसर मिल जाता है? जैसा कि आप नदी के नाम से ही जान रहे हैं, बैतरणी, जिसे पार करने के लिए वितरण करना पड़ता है। बैतरणी मतलब जिसने वितरण किया है, जिसने बांटा है, वही उससे तर सकता है, उससे पार कर सकता है। नदी के नाम से ही स्पष्ट होता है बैतरणी, अपने जीवन में बांटने वाला व्यक्ति ही बैतरणी को पार कर सकता है। अब इसका एक सीधा और जीता जागता उदाहरण मैं आपको बताता हूं। व्यक्ति की मृत्यु के बाद ब्राह्मणों को भोज कराया जाता है और ब्राह्मणों को और संबंधियों को वस्तु का दान किया जाता है और वही दान व्यक्ति को बैतरणी पार कराने के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि उसके कर्म में गौदान किया जाता है और सामग्री आवश्यक, जिस व्यक्ति को जिस सामग्री की आवश्यकता होती है उसके अनुरूप सामग्री को वितरण किया जाता है, क्योंकि यही एकमात्र साधन है बैतरणी को पार करने का। उसके साथ एक और उदाहरण है। आपने देखा होगा प्राचीन काल में, पुराने समय में, जो माता पिता या आपके दादा परदादा, दादी परदादी जो भी होते थे, उनके पास जो संपत्ति होती थी, चाहे वो भूमि से संबंधित संपत्ति हो, प्राचीन समय में जानवरों को, गाय को, भैंस, बैल इत्यादि को संपत्ति माना जाता था और यह संपत्ति होती थी। भूमि की संपत्ति हो, स्वर्ण रत्न आदि जो भी संपत्ति हो, तो प्राचीन समय में जो बुजुर्ग होते थे वो उस संपत्ति को अपने नाम पर रखते थे और यह कहते थे कि जब हम मरेंगे, जब हमारा मृत्यु का समय आ जाएगा तब हम इसका वितरण करेंगे। तो उसी समय वो क्यों वितरण करते थे, इसके पीछे का एक कारण यह है क्योंकि वह जानते थे कि बैतरणी को पार करने के लिए वितरण करना बहुत आवश्यक है। आपके पास ज्ञान है तो आप ज्ञान का वितरण कीजिए, आपके पास संपत्ति है तो संपत्ति का वितरण कीजिए, अपने भाई बंधुओं के साथ किसी भी प्रकार का छल ना करके उन्हें बराबर
संपत्ति का वितरण करना चाहिए। यही एक कारण होता था प्राचीन समय में पूर्वजों का संपत्ति को अपने पास रखने का और अपनी मृत्यु का समय निकट आने पर अपने संबंधियों में पुत्र पौत्रादिक अपने बच्चों में बांटकर उसे वितरण करने का। क्यों? क्योंकि बैतरणी सिर्फ वितरण से पार की जा सकती है। आपने अगर बांटा होगा तो वह प्रेत जो बैतरणी नदी में नाव चला रहा है वह आपको आसानी से पार करा देगा। इसीलिए आपके पास जो चीज है उसे बांटिए, वितरण करते रहिए। आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान का वितरण कीजिए, संपत्ति है तो जिसे आवश्यकता है उसे संपत्ति का वितरण कीजिए, धर्म ग्रंथ का वितरण कीजिए, वस्त्र आभूषण आदि का वितरण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बैतरणी पार करने के लिए वितरण ही एकमात्र साधन है। आपने दिया होगा तो आप पार हो जाएंगे और नहीं दिया है तो वह भयंकर नदी आपके पिंड रूपी बने हुए शरीर को उसमें रहने वाले जीव जंतु बुरी तरह से नोच देते हैं और यमदूत आपकी नाक में कांटा लगाकर, आपने मछली के मुंह में देखा होगा जब वो कांटा कांटे में फंस जाती है, ऐसे ही आपकी नाक में कांटा लगाकर आपको खींचते हुए बैतरणी से पार ले जाते हैं। इसीलिए पुण्य का अर्जन कीजिए और वितरण कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री महा।